हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अलर्ट हुई मध्य प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस ने आज से राज्य स्तरीय चेकिंग अभियान शुरू किया है, जो लगातार 50 दिन तक चलेगा, जिसके अंतर्गत लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत दी। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वालों से फाइन वसूला जाएगा। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट न लगने पर 500 रुपए और वहीं दो पहिया वाहन पर हेलमेट न लगने पर 300 रुपए का जुर्माना देना होगा। शिवपुरी से यूसुफ खान के साथ सोहेल खान की रिपोर्ट। आपके द्वारा जो अभियान चलाया गया है, किस प्रकार का क्या अभियान है यातायात को लेकर? माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे एक लगातार 50 डेज का अभियान चलाया जा रहा है जिले में। इसमें खासकर जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं कारों में और हेलमेट नहीं लगाते हैं दोपहिया वाहनों में बिना इसके चलते हैं, जो कि बहुत ही घातक है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत बेसिक चीज़ है और इसका जो पालन नहीं करते उसके खिलाफ कार्रवाई का अभियान चला रहा है। सर, इससे ही पहले मैरिज गार्डन 40 मैरिज गार्डनों पे नोटिस दिए गए हैं पार्किंग को लेके। हाँ, जब मैरिज गार्डन बनाए लोग बनाते हैं लेकिन पार्किंग की जगह नहीं रहती, उनमें पार्किंग रोड पे करते हैं तो दिक्कत लोग आम जनता को होती है, इसलिए नोटिस सर किए गए। 50 दिन के अभियान में नियम का उल्लंघन करते हैं लोग, तो कुछ कार्रवाई रहेगी? नहीं, बिल्कुल उनके खिलाफ चलान जो है किया जाएगा, सभी को जो चालान किए जाएंगे। चालानी राशि सर? जो आज आपके द्वारा जो अभियान चलाया गया है, किस प्रकार का क्या अभियान है? ये पुलिस मुख्यालय के आदेश अनुसार 20 नवंबर से 10 जनवरी तक ये बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान स्कूल कॉलेजेस सभी विभागों के प्रमुखों को लेटर जारी किया गया है। इसमें पेट्रोल पंप्स, ढाबे, होटल सभी अपने स्तर पर एक अभियान के तौर पर इसको चलाएंगे और जो दुर्घटनाओं में जो बढ़ोतरी हुई है उनमें अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाइश देंगे, जिससे जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं उनमें कमी लाई जा सके। ये अभियान है, 50 दिन का अभियान है। इसमें सभी को आदेश निर्देश किया गया है कि वो सभी हेलमेट का उपयोग करेंगे, सीट बेल्ट का उपयोग करेंगे। सीट बेल्ट को लेकर कितने का चालान रखा गया? सीट बेल्ट का 500 रुपए का चालान है, हेलमेट में आपका 300 रुपए का चालान है। अभी 3 दिन हमने समझाइश दी है सभी को और सड़क पे खड़े होकर भी लोगों को समझाइश दी है, स्कूल कॉलेज जाकर लोगों को जागरूक किया है इसके प्रति। और पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी सभी थानों को निर्देश किया है कि अपने थाने स्तर पर सब एक अभियान के तहत लोगों को जागरूक करेंगे, अगर उसके बाद अगर नहीं मानते हैं तो फिर चालानी कार्रवाई करेंगे। सर, इससे 2 दिन पहले आपने होटलों पर नोटिस दिए थे पार्किंग को लेकर, क्या बताएं? वो अभी शादी का सीजन आज से शुरू हो रहा है जी, उसमें हर बार हम देखते हैं कि हमारे शहर में जो मैरिज गार्डन है वो पार्किंग नहीं है उनके पास, तो सड़क पर ही जो शादी में जो व्यक्ति आते हैं सड़क पर ही वाहन अपना खड़ा करके और चले जाते हैं। उसके बाद जो आम जनता है, आम नागरिक है, वो वहाँ से निकलते हैं तो जाम की स्थिति बनती है, उसमें लोग परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं। ऐसे परेशान ना हो, कोई भी जाम की स्थिति ना बने, इसके लिए हमने नोटिस दिया है। अगर वो अपनी पार्किंग व्यवस्था ठीक करे तो ठीक है, अन्यथा उसके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।